गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी द सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेसन, अ किंगडम ऑफ फूल्स। एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस लेक्चर दैट दिस वाज द मैटर ऑफ द डांसिंग गर्ल, कि सब लोग जो है वो बोलता है कौन, कि जो बना रहा था उसका घर, जो वॉल बनाया था ब्रिक ले, वो बोलता है कि इट इज़ नॉट माई फॉल्ट। एट दैट टाइम व्हेन आई वॉज प्रिपेयरिंग द वॉल, देयर वॉज अ डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन एंड माई होल कंसंट्रेशन वॉज एट हर। जब मैं दीवार बना रहा था उस समय एक डांसिंग गर्ल जो है और अपने एंकल को बजाते हुए, वो पायल को अपने बजाते हुए इधर उधर आ जा रही थी और मेरा कंसंट्रेशन उस पर जा रहा था, इसलिए मैं जो है उस दीवार को अच्छी तरीके से नहीं बना पाया। तो आफ्टर दैट द किंग ऑर्डर्ड हिज मिनिस्टर टू पुल आउट द डांसिंग गर्ल एंड द मैसेंजर वेंट एंड कॉल्ड द डांसिंग गर्ल। व्हेन डांसिंग गर्ल अपीयर्ड इन द कोर्ट एट दैट टाइम सी सेड दैट, तो जाते हैं उसके राजदूत जो है, वो उसके दूत जो है जाते हैं और उस डांसिंग गर्ल को बुला करके लाते हैं। और फिर यहाँ पर वो डांसिंग गर्ल जो है बोलती है, सी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड, जब वो आती है बोलती है कुछ सोचने के बाद, सी सेड दैट माई लॉर्ड वेट आई नो Now why I was walking up and down that street. Oh my lord, wait. I am not cause of that for that reason. मैं उस कारण के लिए मृत्यु की भागीदार नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ क्यों मैं जो है बार बार उधर से आ जा रही थी। कारण ये था कि I had given some gold to the goldsmith to make some jewelry for me. मैंने क्या किया था कि goldsmith को कुछ सोना दिया हुआ था ज्वेलरी बनाने के लिए, और he was a lazy scoundrel. Scoundrel मतलब होता है बदमाश, वैसे बोलते हैं। और वो क्या था, बहुत आलसी था, इतना आलसी था कि he made so many excuses, said he would give it now and he would give it then and so on all day. जब कभी भी whenever I went at goldsmith shop, जब कभी भी मैं उस goldsmith की दुकान पर जाती थी तो वह तरह तरह के रीजन देता था, बोलता था कि अभी दे दूंगा, कुछ देर बाद दे दूंगा, अच्छा दो घंटे बाद आओ दे दूंगा। मीन्स ही मेड मेनी काजेस एक्सक्यूजेस, वो बहुत सारे कारण बनाता था। और इसी कारण की वजह से आई वॉज गोइंग अप एंड डाउन मेनी टाइम्स, मैं बहुत बार उस दुकान पर आती जाती थी वहां पर। अब तुरंत क्या होता है कि ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अडजन टाइम्स, और यही कारण था लगभग मुझे 12 बार, अडजन मीन्स वन डजन मीन्स 12 टाइम्स, 12 बार मुझे जो है उसके घर पर आना जाना पड़ा। दैट वॉज वेन दिस ब्रिक लेयर सामी, इट इज नॉट माई फॉल्ट माई लॉर्ड, इट इज द डैम गोल्ड स्मिथ फॉल्ट। वो बोलती है कि महाराज ये मेरी कोई गलती नहीं है, ये तो गलती उस सुनार की है जो मुझे बार बार क्या कर रहा था, अपनी दुकान पर बुला रहा था, और जिसकी वजह से यह ब्रिक लेयर मतलब ये जो राजगीर है, ही वॉज अ लुकिंग टूवर्ड मी व्हेन आई वॉज अ पासिंग थ्रू, जब मैं वहां से गुजर रही थी तो यह बार बार मुझे क्या कर रहा था, देख रहा था। अब पुअर थिंग, सी वॉज एब्सोल्युटली राइट। अब वो बोलता है राजा, हाँ बेचारी सही कर रही है, देर इज नो फॉल्ट ऑफ हर, उसकी कोई गलती
नहीं है. थॉट द किंग वेगिंग द एविडेंस वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट. कल्प्रिट मीन्स होता है क्रिमिनल. अंततः अब हम जो है जो रियल अपराधी है उसको हम पकड़ेंगे. अब गेट द गोल्ड स्मिथ वेर एवर ही इज हिडिंग एट वंस द किंग ऑर्डर टू हिज मैसेंजर. राजा अपने दूतों को आदेश देता है गो एंड कॉट द गोल्ड स्मिथ. जाओ और उस सुनार को पकड़ लाओ जहां कहीं भी वेर एवर ही इज हिडिंग जहां कहीं भी वह छुपा हुआ हो. द किंग्स बेरिफ सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ हु वॉज हिडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप. और उसके जो भी मैसेंजर थे वो जाते हैं तो जो गोल्ड स्मिथ था जो कि अपनी दुकान में एक कोने पर छिपा हुआ था. वेन हियर द एकेशन अगेंस्ट हिम जब उसने अपने खिलाफ जो है अपराध को सुन लिया था तो वह छिप गया था. ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल. अब उसके पास भी बताने के लिए क्या कहानी होती. वो बोलता है माय लॉर्ड ही सेड आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ. महाराज मैं तो एक गरीब जो है सुनार हूं. इसमें देर इज नो एक्सक्यूजेस इसमें कोई जो है सॉरी देर इज नो रीजन ऑफ मी मेरी तरफ इसमें कोई भी कारण नहीं है. इट इज अ फॉल्ट ऑफ अ मैन. इट इज अ ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मेनी टाइम्स टू माई डोर. हाँ ये सही है कि ये जो नाचने वाली है ये कई बार मेरे दुकान पे आई मेरी कारण आई. मैं इस चीज को एडमिट करता हूं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं. आई गेव हर एक्सक्यूजेस बिकॉज आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर. अब इसमें कारण क्या है महाराज कि देयर वॉज अ रिच मैन हु ऑर्डर्ड मी टू प्रिपेयर फ्यू ऑर्नामेंट्स ऑफ ज्वेलरीज. इसमें महाराज मेरी कोई गलती नहीं है. एक अमीर आदमी था एक धनी व्यक्ति था जिसने मुझे क्या किया था ऑर्डर दिया था कुछ ज्वेलरी बनाने के लिए और आई वॉज कंप्लीटली बिजी एट दैट टाइम टू प्रिपेयर हिज ज्वेलरी. और मैं उसकी ज्वेलरी बनाने में एकदम कंप्लीटली बिजी था. सो आई कुडंट प्रिपेयर हर ज्वेलरी टाइमली. इसलिए मैं जो है उसकी ज्वेलरी टाइम से नहीं बना पाया. मैं उसको तरह तरह के क्या कर रहा था एक्सक्यूज दिया करता था. अब दे हैड अ वेडिंग कमिंग एंड दे वुडंट वेट. यू नो हाउ इम्पॉर्टेंट इम्पेशेंट रिच मैन आर. अब महाराज उस जो धनी व्यक्ति था उसके यहाँ शादी थी और उस ज्वेलरी को बनाना बहुत कंपलसरी था. आपको तो पता है उनके पास कोई भी पेशेंस होता नहीं है. तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है महाराज. हु इज दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी मेड हर वॉक अप एंड डाउन. तो नाउ द किंग आस्क्ड टू द गोल्ड स्मिथ. अब वो जो है राजा उस गोल्ड स्मिथ से पूछता है कि वो कौन व्यक्ति था जिसने आपको ऑर्डर दिया हुआ था और तुम उसकी जो है ज्वेलरी बनाने में इतना बिजी थे जिसकी वजह से तुमने इसको कई बार बुलाया और इसको कई बार आना जाना पड़ा. फिर वो क्या बोलता है कि हु इज दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी मेड हर वॉक अप एंड डाउन विच डिस्ट्रक्टेड दिस ब्रिक लेयर विच मेड अ मेस ऑफ हिज वॉल विच हैज नाउ. अब वो कर रहा है कि वो कौन था मुझे बताओ. वो कौन था मर्चेंट कौन था रिच मैन जो है जिसकी वजह से ऐसा करना पड़ा और उसकी वजह से डांसिंग गर्ल आई गई. मेनी टाइम बहुत बार वो डांसिंग गर्ल आती है और जिसकी वजह से वो ब्रिक लेयर जो है क्या करता है ही लॉस्ट हिज कंसंट्रेशन. वो अपने कंसंट्रेशन को खो देता है और जब वो कंसंट्रेशन को खो देता है तो दीवार कमजोर बन जाती है और वह दीवार उसके ऊपर गिर जाती है और जिसके कारण वह मारा जाता है व्यक्ति. कैन यू नेम हिम क्या तुम उसका नाम बता सकते हो.
द गोल्ड स्मिथ नेम्ड द मर्चेंट एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन। और वो बोलता है महाराज वो जो रिच मैन था ही वॉज अ मर्चेंट, वो एक व्यापारी था एंड ही वॉज द रियल ओनर ऑफ दिस ऑफ द हाउस, और वही जो है उस घर का रियल मालिक था जिसकी दीवार जो है गिरी थी। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, अब न्याय एकदम अपने सीमा पर पहुंचने वाला था, न्याय होने ही वाला था। थॉट द किंग बैक टू द मर्चेंट, एक काम करो, वंस अगेन द किंग ऑर्डर टू द मैसेंजर गो एंड कॉल्ड द मर्चेंट, जाओ उस और व्यापारी को बुला लाओ। व्हेन ही वाज रूडली समंड बैक टू द कोर्ट, जब उसको जो है बड़े ही अभद्रता के साथ दरबार में लाया जाता है, ही अराइव क्राइंग, वह चिल्लाते हुए पहुंचता है, इट वॉजंट मी बट माई फादर हु ऑर्डर द ज्वेलरी, ही वॉज डेड, आई एम इनोसेंट, एंड ही प्रेजेंटेड द एक्सक्यूज बिफोर द किंग। और वह क्या किया कि राजा के सामने अपने जो है बातों को रखा कि महाराज इट वॉज माई फादर हु गेव द ऑर्डर टू बिल्ड द ज्वेलरी, ये मेरे पिता थे, इट वॉज नॉट आई, ये मैं नहीं था, इसमें देर इज नो फॉल्ट ऑफ मी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है महाराज, इट इज अ फॉल्ट ऑफ माई फादर, आई एम कंप्लीटली इनोसेंट, मैं तो एकदम महाराज मैं तो इनोसेंट हूं, मैं निर्दोष हूं, मेरी कोई गलती नहीं है। फिर क्या होता है, बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसिप्लिनरी, यहां पर वो क्या करता है, राजा जो है अपने मंत्रियों से मंत्रणा करता है और मंत्रणा करने के बाद उसको अपराधी ठहरा दिया जाता है, अपराध निर्णय लेते हैं, इट इज ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डर, ये बात सही है कि तुम्हारा पिता ही वास्तविक मर्डर है, बट ही वॉज डेड, लेकिन वो मर गया था, बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन द इन हिज प्लेस, लेकिन अगर तुम्हारा पिता मर गया है तो उसकी जगह पर किसी न किसी को दंड तो मिलना चाहिए, नहीं तो इस व्यक्ति के जो है इस व्यक्ति के प्रति जो है सही निर्णय नहीं होगा, इसलिए किसी न किसी को मरना पड़ेगा। यू हैव इनहर्टेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, हिज रिच एज वेल एज हिज सिंस, और यही उसका जो धन था, उसका धनी होना ही उसका बहुत बड़ा सिन मतलब पाप होता है। आई न्यू एट वंस इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आईज ऑन यू दैट यू वेयर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, यू मस्ट डाई। वो बोलता है कि वास्तव में तुम ही इस जो है तुम ही इस मृत्यु के कारण हो, तुम ही इस मृत्यु का कारण हो, इसकी मृत्यु का कारण तुम ही हो, अगर तुम्हारी दीवार गिरी ना होती तो ये मरता नहीं, और इसकी जड़ तुम ही हो इसलिए तुम्हें मरना पड़ेगा। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एक्सक्यूशन। अब यहां पर क्या करता है, राजा जो है अपने मंत्रियों को आदेश देते हैं किसके लिए, स्टेक मतलब फांसी का फंदा, उसके लिए फांसी का फंदा तैयार किया जाए नया। एज द सर्वेंट शार्पेंड द स्टेक एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, और उसके जो है मंत्री लोग तुरंत एक नया फंदा फांसी का तैयार करते हैं उस अपराधी को सजा देने के लिए। यहां पर फिर इट इज अकर्ड टू द मिनिस्टर दैट द रिच मर्चेंट वॉज सम हाउ टू थिन टू बी प्रॉपरली एक्सक्यूटेड ऑन द स्टेक, और तभी एक मिनिस्टर देखता है कि ये जो फांसी का फंदा बना हुआ था ये बहुत मोटा था, और जो व्यापारी था वो बहुत पतला था, वो व्यापारी जो है उस फांसी के फंदे में सही से आ नहीं सकता था। तो होता क्या है, ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस, द किंग टू वरीड अबाउट इट, तुरंत उसने जो है वह मंत्री राजा से अपील करता है, रिक्वेस्ट करता है कि महाराज
ये तो इस फांसी के फंदे में आएगा ही नहीं, तो हम इसको कैसे मृत्युदंड दे सकते हैं, कैसे फांसी की सजा दे सकते हैं? इसलिए हमको इसकी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को ढूंढना चाहिए। अब होता क्या है, द वॉट सैल वी डू ही सेड व्हेन सडनली इट स्टक हिम दैट ऑल दे नीडेड टू डू वाज टू फाइंड अ मैन फैट एनफ टू फिट द स्टैक। तभी राजा और मंत्री लोग सोचने लगते हैं कि अब क्या किया जाए, ये व्यक्ति तो बहुत दुबला पतला है, इसको सजा कैसे दी जाए। तभी अचानक किसी मंत्री के दिमाग में एक विचार आता है कि ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जाए जो मोटा हो, एंड दे स्टार्टेड टू फाइंड अ फैट मैन। द सर्वेंट वेयर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर अ मैन हु वुड फिट द स्टैक, एंड ऑल द सर्वेंट्स वेयर स्कैटर्ड इन अ होल किंगडम। सारे जो है राज्य के, उसके जो राजा के मंत्री थे, सारे नौकर वो पूरे राज्य में फैल जाते हैं एक ऐसे मोटे व्यक्ति को ढूंढने के लिए जो कि हु इज द सुटेबल टू हैंग इन स्टैक, जो उस फांसी की सजा के लिए एकदम प्रॉपर व्यक्ति हो, सुटेबल हो। ऐसे मोटे व्यक्ति को ढूंढने के लिए सारे नौकर उनके तुरंत फैल जाते हैं पूरे राज्य में। एंड देयर आईज फेल ऑन द डिसिपल हु हैड फैटेंड हिमसेल्फ फॉर मंथ ऑन अ बनानास एंड राइस एंड वीट एंड घी। और अचानक उसमें से एक नौकर का ध्यान जो है उस शिष्य पर पड़ता है Who was became very fat, जो बहुत मोटा हो गया था after eating घी, bananas, rice and wheat, जो गेहूं, चावल, केला, घी खा करके एकदम मोटा हो गया था। उसके ऊपर ध्यान आता है, What I have done wrong? तो अब वो क्या करते हैं कि उसको पकड़ लेते हैं। जब उसको पकड़ लेते हैं तो What have I done wrong? I am innocent. Then that disciple said that, What I have done? मैंने क्या किया? I am a completely innocent. मैं तो निर्दोष हूं, मैं तो यहां रह करके अपना सिर्फ पेट भर रहा हूं, मैंने तो कभी कोई गलती किया ही नहीं। तो फिर he cried, वो चिल्ला करके बोल रहा था, That may be true, but it is the royal decree that we should Find a man fat enough to fit the stack. हाँ, सारे नौकरों ने कहा, मैं जानता हूं कि आप निर्दोष हैं। There is no fault of you. इसमें कोई आपकी कमी नहीं है, कोई गलती नहीं है। But it is the king's order. लेकिन हमारे राजा का आदेश है कि ऐसे मोटे व्यक्ति को ढूंढ करके लाया जाए जो कि फांसी के फंदे के लायक हो। तो and carried him to the place. आप एक्सक्यूशन, और उससे क्या करते हैं, राजा के राज दरबार में ले आते हैं। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड्स, तभी वह तुरंत अपने गुरु के उन शब्दों को याद करता है, क्या कि दिस इज अ सिटी ऑफ फूल्स, यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट। आपको बताया था इन फर्स्ट पार्ट कि गुरुजी ने उसको बोला था कि यू शुड नॉट स्टॉप हियर, यू शुड नॉट स्टे हियर, तुमको यहां नहीं रुकना चाहिए, बिकॉज दीज किंगडम ऑफ द फूल्स, ये क्या है, मूर्खों का राज्य है, एंड द किंग्स एंड मिनिस्टर ऑल आर द फूल्स, और राजा और मंत्री सारे मूर्ख हैं, वे आपके साथ क्या करेंगे, यू डोंट नो, तुमको कुछ भी पता नहीं है वो तुम्हारे साथ क्या कर लेंगे। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट। तो अब जो है, जब उसको ले जाया जा रहा था और मृत्यु के लिए तैयार किया जा रहा था, मृत्यु की सजा देने के लिए, तभी उसने अपने मन में अपने गुरुजी को याद किया, और आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेयर एवर ही वाज, और उसने कहा, गुरुजी जहां कहीं भी हो आप मेरे विनती को सुने, मेरी प्रार्थना को सुने। द गुरु सा एवरीथिंग इन अ विजन, और गुरुजी, पहले के महात्मा ऐसे होते थे, आज भी बहुत सारे ऐसे हैं कि
अगर वो आंख पहले आपने देखा होगा, अभी जो हमारा सीरियल चल रहा था रामायण और श्री कृष्णा चल रहा है, आपने इसमें देखा होगा कि जो महात्मा लोग थे तुरंत वो त्रिकालदर्शी होते थे, जो तुरंत आंख बंद करके बता देते थे कि आपके साथ पहले क्या हुआ था, अभी क्या होगा और क्या क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, आपको देखे नहीं है फिर भी। तो उसके गुरुजी भी इसी तरीके से थे, वो तुरंत जब वो प्रार्थना कर रहा था अपने हृदय में, अब गुरुजी तो वहां थे नहीं, वो हृदय में जैसे ही प्रार्थना कर रहा था गुरुजी ने उसकी बातों को सुन लिया अपने ध्यान में, और वो तुरंत क्या होते हैं, आ जाते हैं। इसलिए देखिए एक सीधी सी बात है, बहुत सारे ऐसे महात्मा जो होते हैं आज भी हैं, हमें ये हमारा इट इज आवर हिंदू मिथोलॉजी, हमारे हिंदू धर्म के अनुसार जब कोई भी व्यक्ति हमारे द्वार पर आए तो कभी भी उसे खाली हाथ न जाने दे, यानी उसे कुछ न कुछ अगर मांगने आता है तो भिक्षा के रूप में से कुछ न कुछ जरूर दे, क्योंकि कहा गया है नाद रीझ तन देत मृग नरधन हेत समेत और ते रहीम पशुते अधिक जे रीझों कछु न देत। मतलब आपने हिरण को सुना होगा जो बिना मांगे जो है वो क्या करता है, अपने नाभि में भरी हुई कस्तूरी को दे देता है और मर जाता है। और बोलो एक जानवर जो बिना मांगे दे देता है, और यहां मनुष्य जो है वो पशु से भी बेकार है जो मांगने पर कुछ नहीं देता। इसलिए हमें मांगने वाले को जरूर अपने अगर दरवाजे पर आया है तो हमें जरूर कुछ ना कुछ देना चाहिए, उसे खाली हाथ वापस जाने नहीं देना चाहिए। और ये सही है कि आज जो हो रहा है उसकी वजह भी यही है, लेकिन ये सीधी बात जान लीजिए कि जंगल न होते तो मोर कहाँ रहते और साधु न होते तो चोर कहाँ रहते। ये सही बात है कि ये है ऐसा जिसकी वजह से हमारे अंदर डाउट होनी है, लेकिन फिर भी हमारा ये धर्म होता है कि हमारे दरवाजे पर आए हुए व्यक्ति को जो है खाली हाथ न जाने दे। लेट्स कैरी ऑन टॉपिक्स। तो जैसे ही वह आंखें बंद करके अपने गुरु को ध्यान करता है कि गुरु जी वेयर आर यू हेल्प मी, गुरु जी कहाँ हैं, आप मेरी मदद करें, तो तुरंत गुरु जी अपने साधना में जो बैठे हुए थे तुरंत उसकी आवाज को सुन लेते हैं। और द गुरु सा एवरीथिंग इन अ विजन, ही हैड मैजिक पावर, और आपको बताया उनके पास क्या थी, जादुई शक्ति थी। ही कुड सी फार, वो आगे की सब कुछ दूर दूर तक सब कुछ देख लेते थे। एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट, जैसे मैंने आपको बताया वो भविष्य भी देख लेते थे, भूत भी देख लेते थे और वर्तमान जो चल रहा है उसको भी देख लेते थे। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसिपल हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच अ स्क्रैप थ्रू लव ऑफ फूड, और वह तुरंत अपने शिष्य की आवाज को सुन लेते हैं जो कि क्या था, जो खाने का शौकीन था, जिसको भोजन भोजन से बहुत प्यार था, जो वहां पर रुका था, तुरंत उसकी आवाज को सुन लेते हैं और वहां पर आ जाते हैं, तुरंत वहां पर आते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इट इज अ वेरी लेंथी लेसन, सो इट इज अ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लेसन नाउ कंप्लीटेड। वी विल स्टडी द रिमेनिंग स्टोरी इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू, दैट्स ऑल।